नमस्कार दोस्तों, DKU न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ त्रिपाठी। दोस्तों, वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी एक अंग के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी आंखों को कुछ हो जाए या हमारी आंखों की रोशनी चली जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शायद हम में से किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की। आज की इस भागम भाग जिंदगी में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति TV देखता है। परंतु क्या कभी वो ये सोचता है कि इनसे निकलने वाली जो रेज होती हैं हमारे शरीर पर, हमारी आँखों पर किस तरह का प्रभाव डालता है? शायद बहुत कम ही लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आँखों की देखभाल करना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। तो आँखों की देखभाल कैसे करें, किस तरह से की जाए, आज हम आपकी मुलाकात राजाजीपुरम के रानी लक्ष्मी बाई हॉस्पिटल में नेत्र सर्जन हैं डॉक्टर संजय बिश्नोई जी। तो जानते हैं उनके विचार आँखों की देखभाल कैसे करें। मैं डॉक्टर संजय कुमार बिश्नोई, रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय राजाजीपुरम लखनऊ में वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्र सर्जन हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व एक अभूतपूर्व स्थिति में गुजर रहा है, जहाँ कोरोना संक्रमण के कारण बचाव के लिए लॉकडाउन की जो स्थिति है उससे सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं और ऐसे में स्क्रीन का उपयोग बढ़ गया है, चाहे वो मूवीज़, न्यूज़ देखने के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्क फ्रॉम होम या स्कूल कॉलेजेस में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनके कारण या मोबाइल पर व्हाट्सएप के उपयोग के कारण। ऐसे में आँखों में तनाव, सर में दर्द, गर्दन में दर्द, पानी आना और आँखों के लाल होने की शिकायतें बढ़ रही हैं। इस संबंध में आपको मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आप स्क्रीन का उपयोग करें उसकी दूरी जो है TV की कम से कम 6 से 10 फीट की दूरी पर रहे और मॉनिटर भी कम से कम 25 से 30 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जो इल्यूमिनेशन है वो कमरा भी आपका इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठकर TV या मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो मॉनिटर है वो भी साफ होना चाहिए और उसका इल्यूमिनेशन या ब्राइटनेस भी कम होनी चाहिए। जो मोबाइल है उस पर जो ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन है उसको हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। जो इंक्लिनेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लैपटॉप है वो कम से कम 5 से 7 इंच आँख की सतह से नीचे की तरफ होना चाहिए। लेट कर या करवट लेकर कभी भी मोबाइल या लैपटॉप या TV का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेटने से या करवट से देखने से जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं उनके गर्दन में दर्द भी बढ़ सकता है और आँखों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा जो चश्मा लगाते हैं मरीज, उनको हमेशा चश्मा लगा कर ही इसका उपयोग करना चाहिए और जो कॉन्टैक्ट लेंस प्रयोग कर रहे हैं वो इस समय बेहतर होगा कि चश्मे पर स्विच कर जाएं। इसके अलावा आँखों को हमें कभी पोंछना नहीं चाहिए। जब भी घर के बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा फॉलो करें। बाहर अगर आँख में चाहे कितनी भी खुजली या पानी आए, आँखों को कभी भी छूना नहीं चाहिए। जब भी आपको आँख को छूना है तो पहले साबुन से हाथ को धो लेना चाहिए। बिना साबुन से हाथ धोए कभी भी आँखों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आँखों के माध्यम से भी कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा खान पान का भी विशेष महत्व है। जो इस समय ताज़े फल सब्जी बाज़ार में आ रहे हैं, हरी सब्जियाँ हैं, पपीता है, उसका अधिक प्रयोग करें। ये आँखों को भी ताकत देती हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं, जिससे वायरस से लड़ने के लिए शरीर को शक्ति मिलती है। धन्यवाद। आशा है आपको ये सुझाव लाभदायक सिद्ध होंगे। नमस्ते। कोरोना वायरस का जन्म चीन में हुआ, इटली में पालन पोषण, स्पेन में खेला कूदा, अमेरिका में जवान हुआ और भारत आकर मरेगा। राम नाम सत्य है।